दृढ़ संकल्प होकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन बाबा साहब के आदर्शों पर चलने के लिए संघर्ष करता रहूँगा। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है उस कार्य को पूरा करने के लिए मैं संपूर्ण समर्पित रहूँगा। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं समाज को शिक्षित करने के लिए कार्य करता रहूँगा। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि समाज को उद्वेलित करने का कार्य करता रहूँगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी समाज को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता रहूँगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि बाबा साहब जो मिशन कांशीराम साहब ने शुरू किया उसे पूरा करूँगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि समाज में जो गुलाम, गद्दार, पिट्ठू, औजार और दलाल पैदा किए गए हैं मैं उनका विरोध करता रहूँगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि समाज में जो गुलाम और गद्दार पैदा हो रहे हैं मैं उनका सामाजिक बहिष्कार करूँगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे गुलाम और गद्दारों को जो बाबा साहब और कांशीराम साहब के मिशन को रोकने का कार्य कर रहे हैं मैं उन्हें किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं करूँगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का तन मन धन से समर्थन करता रहूँगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो साथी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर के अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए जा रहे हैं मैं हमेशा उनका बहिष्कार करता रहूंगा। और मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि पांचवी बार बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और हम लोग यह भी प्रतिज्ञा करते हैं। हम लोग जितने लोग यहां पर पहुंचे हैं और या जितने भी हमारे अनुयायी हम ये भी प्रतिज्ञा करते हैं कि इस बार बहन कुमारी मायावती की पांचवी बार सरकार बनाकर इस देश में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है उसमें अपना शासन कायम करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध पार्टी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।